तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइक्रोस्कोप बूम स्टैंड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल स्टैंड फॉर माइक्रोस्कोप। तो ये किस तरीके का प्रोडक्ट है वो आप बेसिकली बॉक्स देख के ही समझ गए होंगे। बॉक्स पे जैसे क्या लिखा हुआ है, स्विंग आर्म ब्रैकेट। ये बेसिकली यूज होता है आपका, जनरली यूज इसका माइक्रोस्कोप के लिए ही होता है, बाकी मल्टी कंपैटिबल है ये। अगर आप चाहें तो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है काफी हैवी ड्यूटी, काफी हैवी वेट है इसका, और एक बार हम बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या इसमें सामान मिलने वाला है आपको। तो यहाँ जो आपको कुछ रॉड, कुछ प्लेट्स और कुछ फिटमेंट्स मिलने वाले हैं, तो मेन प्रोडक्ट आपका यही है। तो ये एक प्लेट होती है, मेटल की प्लेट है, इसको आप बेस प्लेट भी बोल सकते हैं। ये आपके जो है सबसे नीचे इस तरीके से फिट होगा। उसके बाद कुछ फिटमेंट्स है, जैसे कि पहले बात कर लेते हैं हम इस रॉड की। तो ये मेन मेटल की रॉड है जो कि इस बेस प्लेट के ऊपर लगेगी, फिर इसके ऊपर जो बाकी फिटमेंट्स लगेंगे। जैसे कि नेक्स्ट आपका ये वाला फिटमेंट आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये किस तरीके से रोटेट हो जाता है, और इसी के हेल्प से जो है आप अपने पूरे माइक्रोस्कोप को इधर उधर मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो कुछ और फिटमेंट्स है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और ये कुछ और एक्स्ट्रा फिटमेंट्स हैं। तो चलिए सीधा अब ज़्यादा देरी किए बिना इसको पूरे को करते हैं असेंबल, और इसमें माइक्रोस्कोप इंस्टॉल करके देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पूरे माइक्रोस्कोप को इधर उधर रोटेट नहीं कर सकते, बट जो मेन हेड यूनिट होता है उसको आप लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो बूम स्टैंड की हेल्प से आप इसको पूरे माइक्रोस्कोप को जो है ओवरऑल मूव कर सकते हैं, वो कैसे होगा उसको हम इंस्टॉल करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने जो इसका मेन बॉटम पे जो यूनिट आएगा, बेस प्लेट आप कह सकते हो, वो इस पे जो है हमने परमानेंट माउंट कर दिया स्क्रू से, और उसके ऊपर लीवर ये रॉड जो है इसको हमने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको जो है माउंट कर लिया है, और ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगा आपका। देन हमारा जो माइक्रोस्कोप का मेन हेड यूनिट है, मेन जो पूरा यूनिट, उसमें हम नीचे से ये वाली रॉड डालेंगे और ऊपर से जो है ये स्क्रू टाइट हो जाएगा, और बस इतना ही स्टेप था। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप माइक्रोस्कोप को चाहे लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकते हैं, और अगर आप जैसे चार पाँच या दो तीन बंदे, एक इधर बैठा है एक इस साइड बैठा है, तो आप मल्टीपल पर्सन जो है एक माइक्रोस्कोप के साथ काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे। लेट सपोज एक पर्सन जो है वहाँ माइक्रोस्कोप लेके काम कर रहा है, तो आप माइक्रोस्कोप को जो है पूरा वहाँ इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ काम कर रहा है तो आप माइक्रोस्कोप को यहाँ ले सकते हैं। इस तरीके से जो है आप माइक्रोस्कोप को डिफरेंट एंगल पे मूव कर सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस और ये था हमारा प्रोडक्ट। तो अगर आपको भी परचेज करना है ये बूम स्टैंड अपने माइक्रोस्कोप के लिए, तो जो है आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में आता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।